सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ स्पेस के बारे में। स्पेस क्या है और ये ब्लैक नज़र क्यों आता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस क्या है और ये ब्लैक क्यों नज़र आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम कमाल फारूक है, टेक्निकल फारूक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेस पृथ्वी धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जब आप जाते हैं तो 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद से वहाँ हवा और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उस जगह को हम स्पेस कहते हैं। या दोस्तों उसके नीचे जब हम आते हैं तो वो वायुमंडल का जगह होता है, यानी कि धरती से 100 किलोमीटर ऊपर तक का ये सारा एरिया जो होता है वो वायुमंडल का होता है, उसके बाद से स्पेस होता है। तो दोस्तों स्पेस तो आपको समझ में आ गया कि स्पेस किसे कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेस में बहुत सारे, यानी कि आप कह सकते हैं कि दो ग्रहों के बीच की जो जगह होती है उस जगह को भी हम स्पेस कहते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो क्या चीज़ नज़र आता है। वहाँ पे नक्षत्र नज़र आएंगे, उल्का पिंड नज़र आएंगे और उपग्रह नज़र आएंगे, बाकी कुछ नज़र आने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया स्पेस की बात। स्पेस को हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेस में बहुत सारा धूल धक्कड़ भी मौजूद है, बहुत सारा वहाँ पे रेज भी मौजूद है जो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। इसीलिए जब भी नासा कोई यान भेजता है तो आपको पता होगा कि सिल्वर कलर का जैकेट और ऑक्सीजन जो है वो भेजता है, यानी कि कोई भी आदमी जाता है वहाँ पे यान में तो उसके साथ जैसे बाहर निकलता है स्पेस में तो जैकेट पहन लेता है और ऑक्सीजन लगा लेता है। वहाँ पे कौन कौन से रेज हैं, ये कौन कौन से किरण हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे किरण मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम है इंफ्रारेड किरण, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसके साथ साथ गामा रेज, एक्स रेज और भी बहुत सारे रेज वहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और हमें इसलिए अनुमति नहीं मिलती है कि यान से, यानी कि जो नासा यान छोड़ता है उससे आप बाहर निकल के ऐसे जनरल शॉर्ट पैंट पे चले जाएं, ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों तो आपको समझ में आ गया कि ये रेज क्या होता है। और मैं आपको वहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पे स्पेस में जाते हैं और स्पेस में पहुँचते हैं जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जिसके वजह से आपको वहाँ पे सिर्फ ब्लैक और ब्लैक नज़र आता है, यानी कि वहाँ पे कुछ नज़र आने वाला नहीं है। वहाँ पे प्रकाश है लेकिन अणुओं की संख्या शून्य हो जाती है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या शून्य हो जाती है, जिसके वजह से आप सिर्फ ब्लैक देखते हैं, बाकी कुछ आप नहीं देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ब्लैक नज़र आती है, अणुओं की संख्या ज़ीरो हो जाती है और वहाँ पे आप, यानी कि हम जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं उसके बीच में जो मीडियम होता है, यानी कि जो माध्यम होता है, वो माध्यम वहाँ पे नहीं है। आप बोल सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। अंतरिक्ष स्पेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप सुन नहीं सकते, बोल तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं, माध्यम वहाँ पे नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो रहा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइए और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।